एम्बुलेंस तब तो पेशेंट ने तो बचना नहीं है अगर हार्ट अटैक वाला बारिश होगा होती तो। है, सारा पानी अंदर आ रहा होता है, हमें बैठने की जगह तक नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चेयर इधर से घुमाते रहते हैं। चलो हम तो जैसे कैसे मैनेज करते हैं, जो बाहर से बंदे वैक्सीन करवाने आते हैं उनको बिठाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिल्डिंग शॉर्ट हो जाती है बारिश की वजह से, अच्छा, इतनी बिल्डिंग की कंडीशन अगर खराब है। किसी को हार्ट अटैक आया हो यहीं के आसपास के लोगों को, फिर आपने उस पेशेंट को किस तरह से फिर ट्रीट करेंगे? मैम क्योंकि फर्स्ट एड जो तो हार्ट अटैक पेशेंट को आप क्या ही दे देंगे? हमने, हाँ फर्स्ट एड में तो कुछ कर नहीं सकते उसको, फर्स्ट ना पेशेंट को, फिर हम उनको बोलते हैं नौशहरा लेके जो उनका पर्सनल ट्रांसपोर्ट है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं है तो फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। जब तक एम्बुलेंस है तब तो पेशेंट ने तो बचना नहीं है अगर हार्ट अटैक वाला होगा तो। हम नौशहरा से दराल की ओर निकल रहे थे, तो यहाँ पर हमें रास्ते में हेल्थ सब सेंटर ऐसा कुछ बोर्ड नजर आ रहा है जो शायद आपको भी ढंग से नजर ना आएगा। हम राजपुर बाटा में समय मौजूद हैं। हमने सोचा कि चलिए हेल्थ सब सेंटर में क्या फैसिलिटीज हैं या नहीं है, हेल्थ सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है किस तरह से नहीं, क्योंकि कोविड के समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमेशा ये बात हुई कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई है। हमारे पास हर एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हर एक चीज़ है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि चलिए यहाँ पे अंदर जाते हैं। अभी हम अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कौन सी नहीं। हम सिर्फ ये बिल्डिंग देखकर ही यहाँ पर हमने ब्रेक मारी कि बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अभी ये बिल्डिंग टूट जाएगी, क्योंकि ये अनसेफ बिल्डिंग है। बट अभी तक आपको बता दें कि ये अनसेफ, जब हमने लोगों से पूछा तो अभी तक इसको अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ से बिल्कुल साथ देखिए, ये पंचायत घर है राजपुर भाटा का, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए हैं। क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम्स के बाद भी यहाँ पर लोगों को हर एक चीज़ मिल रही है या नहीं? चलो पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ, शायद यहाँ पर जो लोग बैठते होंगे अपने आप को सुबह परमात्मा से गुजारिश ज़रूर करते आते होंगे कि आज हमें कुछ ना हो। मैम आप यहाँ पे कितने देर से काम कर रही हैं? मैम यहाँ पे 10 साल हो गए मुझे एज ए NHM। NHM जी मैम, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोग देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं? हम यहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं, रूटीन वैक्सीन करते हैं जी, और ANC चेकअप देते हैं। आप लोग यहाँ बैठते कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप वो देखने की कोशिश करिए, वो जो स्लैब है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उस लकड़ी की वजह से बची हुई है, नहीं तो ये गिर जाएगी। आप लोग सुबह क्या प्रे करके आते हैं कि हम बच जाएं, गिरे नहीं? मैम यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से कंप्लेन करते हैं कि हमारी बिल्डिंग अनसेफ है, जब बारिश होती है हम बड़े अनकंफर्टेबल यहाँ पे बैठते हैं। जब बारिश होती है सारा पानी अंदर आ रहा होता है, हमें बैठने की जगह तक नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चेयर इधर से घुमाते रहते हैं। चलो हम तो जैसे कैसे मैनेज करते हैं, जो बाहर से बंदे वैक्सीन करवाने आते हैं उनको बिठाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिल्डिंग शॉर्ट हो जाती है बारिश की वजह से, अच्छा इतनी बिल्डिंग की कंडीशन खराब है। आप लोगों ने कभी, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए हैं यहाँ पे, लोग भी बता रहे थे, तो यहाँ पर कभी बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में आपने नहीं बोला कि हमें क्या जरूरत है? मैं बैक टू विलेज हुए हैं, बैक टू विलेज मैंने खुद ही अटेंड किए हैं। वहाँ पे मैंने रिटर्न में लेटर लिख के दिया था बैक टू विलेज जो ऑफिसर्स आए थे उनको कि हमारी बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर करो, हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, अगर बिल्डिंग नहीं बना सकते, इतना बजट नहीं है आपके पास, तो हमें रेंटल बिल्डिंग लेके दे दो। ठीक है, नहीं है रेंटल बिल्डिंग, हमें पंचायत घर में शिफ्ट कर दो। बट आज तक किसी ने कोई एक्शन लिया। उसके बाद हमारा पहले सब सेंटर था ये, अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना। हेल्थ एंड वेलनेस में उन्होंने हमें बोला कि आपकी बिल्डिंग रिपेयर होगी, पर जहाँ तक मैं 10 साल हो गए यहाँ, मुझे लगता नहीं कि इसको मेंटेनिंग की कोई ज़रूरत है, ये बिल्कुल अनसेफ है, इसको क्या करेंगे रिपेयर हम इसको। अच्छा, जब बारिश आती है आप लोग सोचते हैं कि आज हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या ये बिल्डिंग अभी टाटा बाय बाय बोलेगी? मैं हमें हमेशा जब बारिश में बैठते हैं ये लगता है पता नहीं किधर से हमारे पे बिल्डिंग गिरने लगी है। कई बार होता है कि बारिश सेकंड डे आके बैठते हैं लगता है कि स्लैब बिल्कुल नीचे आने लगी है हमारे पे। ऊपर से आप छत पे देख लो कैसे पानी सारा, पूरी दीवारों का बुरा हाल है। ये यहाँ का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाने की कगार पर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट एड देते हैं और कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो आप किस तरीके से इसको यहाँ पर सब डिवीजन जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे नौशहरा का, वहाँ पे भेजेंगे? मैम जो हमारे नियर PSC अंदरूठ और PSC लड़ोका है, पहले तो हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ केस आता है रेफर करने वाला हो तो हम PSC में भेजते हैं। ठीक है, अगर लोग PSC में दूर है नहीं जाना चाहते फिर हम STH में भेजते हैं, हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आएगी तो फिर उनको लेके जाएगी। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो यहीं के आसपास के लोगों को, फिर आपने उस पेशेंट को किस तरह से फिर ट्रीट करेंगे? क्योंकि फर्स्ट एड तो हार्ट अटैक पेशेंट को आप क्या ही दे देंगे? हमने, हाँ फर्स्ट एड में तो कुछ कर नहीं सकते उसको, फर्स्ट ना पेशेंट को, फिर हम उनको बोलते हैं नौशहरा लेके जो उनका पर्सनल ट्रांसपोर्ट है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं है तो फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। जब तक एम्बुलेंस है तब तो पेशेंट ने तो बचना नहीं है अगर हार्ट अटैक वाला होगा तो।
फिर अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। बाहर आ गए हैं, बट सोचिए कि हम 2 मिनट में ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, यहाँ से लोग बाहर ही आए। सोचिए कि जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है या जो वर्कर यहाँ पे मौजूद है जो काम कर रहे हैं वो कैसे रहते होंगे। अब दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को भी कोई बड़ा अटैक आता है वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्टेड यहाँ तक पहुँचाएगा और उसके बाद हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो ये लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आएंगे वो अपने साथ एक आफत भी ज़रूर लेकर आएंगे कि ना जाने कब हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। अब साथ में देखिए कि ये एक सब सेंटर है, आप वेलनेस सेंटर मत बनाइए, बट सब सेंटर है, उसके बिल्कुल साथ में पंचायत घर राजपुरा भाटा है, उसमें ताला जड़ा है। यानी कि अगर ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होकर आम जनता की मदद कर सके तो परेशानियाँ कम हो सकती हैं। पर बैक टू विलेज प्रोग्राम नील बटा सन्नाटा, लोग यहाँ के परेशान। अभी तक डीसी रजौरी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं, अच्छी बात है अवार्ड मिले भी, पर बात यह है कि आम जनता को असूलियत मिल रही है क्या, सवाल एक। सवाल दो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये बोल रही है कि हमारे पास हर एक चीज़ फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या सच में ऐसा है? ग्राउंड जीरो की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं अब अपने जो डाटा है उसको सही करने की ज़रूरत आन पड़ी है, इन लोगों की सुरक्षा करने की ज़रूरत आप लोगों को भी आन पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत बड़ी कमी है। और यहाँ पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और किसी के पास अगर अपने कोई व्हीकल भी नहीं है तो वो किस तरह से अगर किसी को अटैक आ जाए तो वो अपने किसी भी सगे संबंधी को हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।